अगर आप भी एक एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़र हैं तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का यूज़ करते हुए आप हर महीने 40 से 60 रुपए रिचार्ज या बिल पेमेंट करके आप सेविंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक अगर एक यूज़र यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट करके 40 से 60 रुपये हर महीने सेविंग कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे पहला जो बताना चाहूँगा कि आप कितने का रिचार्ज करेंगे तो आपको कितना रुपये कैशबैक मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि अगर आप 249, 279 एंड 598 और 698 का रिचार्ज करते हैं वो एयरटेल सिम कार्ड पे, एयरटेल ऑपरेटर पे, तो आपको यहाँ पे 40 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। वहीं आप अगर 149, 179 और 290 का रिचार्ज करेंगे एयरटेल का तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 20 रुपये का कैशबैक। और ये अदर ऑपरेटर पे लागू होता है। अगर कोई भी आप 149 से ऊपर का रिचार्ज करते हैं अदर ऑपरेटर का तो आपको यहाँ पे केवल 10 रुपये ही कैशबैक मिलने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 249 और 279, 598 और 698 का ही रिचार्ज कीजिए, वो भी एयरटेल ऑपरेटर का यानी एयरटेल कंपनी का, तो आपको यहाँ पे 40 रुपये कैशबैक मिलेगा। ये रहा रिचार्ज के ऊपर का कैशबैक। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का यूज करके महीने में एक बार यानी बिल पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का तो वहाँ पे आपको 20 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर आप महीने में 60 रुपये सेविंग कर ले रहे हैं, एक तो रिचार्ज करके 40 रुपये और दूसरा बिल पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके 20 रुपये का। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में ये कंडीशंस है कि आपको वहाँ पे मिनिमम 1000 का बिल पेमेंट वैल्यू होना चाहिए तभी आपको वो बिल पेमेंट पे कैशबैक मिलेगा 20 रुपये का। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।